नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका ब्लॉग नंबर आई डोंट नो व्हिच वन। दिन है आज 28 मार्च, सातवां दिन है लॉकडाउन का मेरे ख्याल, और बोर हो गए हैं घर पे हम लोग। 3 बजे उठा हूँ मैं आज। हमने प्लान किया था आज ब्लॉग शूट करेंगे, पहले मैं उठा 12 बजे, फिर दोबारा सो गया बेड में। पता नहीं क्या चुंबक लगी हुई है, डबल नींद आ रही है आजकल मेरे को। सो आई डोंट नो, शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। और ये अच्छी ट्रिक है, वैसे आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आपका टाइम पास ना हो रहा हो। अब जितना लेट उठ सकते हैं ना उतना लेट उठें, तो दिन जो है जल्दी निकल जाता है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अभी तक नाइट सूट नहीं बदला इसने, टाइम क्या हो रहा है? एक मिनट, क्या कह रहे थे वो? उठी नहीं है, सब सुन रही थी मैं। और क्या, उठी कहाँ थी? अभी उठी है, कहती उठाओ मत मुझे। 5 मिनट पहले उठी। पर्दे भी नहीं खोले हैं देखो, आप जाके मैं खोल रहा हूँ पर्दे। गार्डन में ना बड़े प्यारे फूल हो गए हैं पूजा, देख। एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई लॉकडाउन से, वो ये है कि मेरी सारी बहनें डेली मेरे साथ वीडियो कॉल करती हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके साथ भी हो ही रहा होगा। हो रहा है तो कमेंट डाउन बिलो आपके सब घर वाले, जो कि तो ये बहुत अच्छी बात है। पूजा की सारी सिस्टर्स, क्लोज वंस। अभी पता है क्या हो रहा है? हम एक बार ही कॉल करेंगे ना, 2 बार कॉल बैक आएगी। पिंक चादर और पिंक नाइट सूट, सब कुछ पिंक। जैसे तो डॉल है पिंक, पिंक ही है, मतलब मेरी भी सारी चीजें पिंक बना दी है इसने। टी शर्ट तक पिंक बनाती है, बताओ। और ये सेटअप जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमने होम क्वारंटाइन किया पापा को, क्योंकि पापा एक ट्रिप पे चले गए थे हिमाचल में। और बिल्कुल जब ये लॉकडाउन हुआ से एक दिन पहले लौटे, हमने मना किया था मत जाओ, पर माने नहीं पापा, तो हमें जो है पापा को अलग रखना पड़ रहा है। अभी सब्जी वगैरह लेने अगर एक दो बार मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो अगर बाय चांस हम लोग इन्फेक्ट हो जाएं तो पापा को कोई दिक्कत ना हो, एंड अगर पापा को हो तो वो अलग रहें। सो अगर आपके घर में ऐसी स्पेस है जहाँ आप एल्डरली इसको थोड़ा सेफ और सिक्योर अलग रख सकते हैं, तो प्लीज़ रखिए। अच्छा ही है कि सब लोग घर में भी थोड़ा डिस्टेंस रखें। पर फिर भी पापा क्या करते हैं, ये सारे जितने भी बैम्बूज हैं इनको हटा के, डंडे हटा के सुबह सुबह आ जाते हैं 4 बजे वहाँ तक। तो पहले एक था, अब ये सारे मैंने लगाए हैं, क्योंकि पापा रुकते नहीं थे एक से। डेली पूजा के लिए चाय बनाता हूँ, मैंने नई चीज़ शुरू करी है। पूजा को बड़ा अच्छा लगता है जब इसके लिए चाय बनाता हूँ। कैसी बनाता हूँ भाई चाय में? बहुत अच्छी। लॉकडाउन में मेरी चाय पसंद आई? एक आधी बार नहीं आती, पर मैं चुपचाप पी जाती, बोलती नहीं हूँ। बहुत गंदी है, बताओ, मेरे आगे तो तारीफ करती है, तो मैं बताऊंगा शानी बनती है बहुत। जिस दिन मैं बोली उस दिन चाय बनी। शुरू शुरू में चाय पता कैसे बनाते थे? चाय पत्ती कहाँ है, शुगर कहाँ है, मिल्क कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता था चाय आपने बनाई है मैंने। घर रह के अब पता चलने लग गया ना चीजें कहाँ कहाँ है। ठीक है, मैं किचन किंग हो गया हूँ। पहले हम पापा को किचन क्वीन बोलते थे, क्योंकि पापा को सारी चीजें बता होती थी किचन में, जो घर रहता सब ना पता चली जाती है। एक बार क्या हुआ, बोले कि ना दही कहाँ पे है, फ्रिज में रखी है, फिर दोबारा मेरे पास आई, वापस नहीं मिली, मैं कहा वही है। ऐसा होता है यार, मम्मी के साथ भी होता था। तेरी बात नहीं, मैंने ऐसे देखा कि मैं कई बार वो ड्रॉर खोल लूंगा, उसमें सामान वही है पर मेरे को नहीं मिलेगा, तो आएगी तो ढूंढ देगी। होता है ऐसे, आपके साथ भी होता होगा घर में, आपकी मम्मी ढूंढ के देती होंगी या भाई ढूंढ के देती होंगी। पर चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, ये माने ना माने, इसके मानने से हमें क्या भाई लोग। अरे पापा बड़े शैतान है, सुबह सुबह 5 बजे आते हैं। देखो, this is done by my daddy. वैसे तो कहेंगे बेटा हाँ मैं क्वारंटीन में हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह सुबह आके बादाम छील जाएंगे किचन में आके। पूजा कहाँ बैठोगे, रूम में या पीछे? ये मेरा वर्क डेस्क जो मैंने ऑफिस से मंगवा लिया, क्योंकि यार इतने दिन खाली रह के तो कैसे काम करेंगे। तो इतने में हमारी एक न्यू साइट, हम लोग जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हमारी लॉन्चिंग है एक प्रोजेक्ट की, उसके प्लान्स फाइनलाइज कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। यम्मी, बहुत टेस्टी चाय बनाता हूँ मैं। सच्ची में आप जो बनाते हो ना अच्छा बना देते हो। मैं बेवकूफ भी अच्छा बनाता हूँ, बना दिया ना तेरा। मजाक करूँ थी, एक आधी बारी अच्छा बना देते हो, एक आधी बारी तो जान योग्य है। नहीं, फेस शॉट ले रहा हूँ, शूट करना है फेस शॉट, कितनी सुंदर है तू, एक बार फेस शॉट तो लेने दे।
मैं सुबह सुबह उठ के आई हूँ। फेस शॉट तो लेने दे, सुंदर लग रही है। एक बार मॉडल, ओए मॉडल हाथ तोड़ा, तेरी सुंदरता का राज जानना चाह रहे हैं सारे। एक सेकंड, हाथ तो हटा ले, एक बार तो हटा ले, जाने कोई बात हो, हटा ले एक बार तो देख ले, सुंदर लग रही है ना पूजा कितनी। ब्यूटी इन डेप्थ दिखा रहा था। कोई ऐसे बेइज्जती करता है अपनी वाइफ की तो तू मेरी कुकिंग की जैसे बेइज्जती करेगी ना, वैसा ही जवाब मिला देवी। पूजा लेट हो गए, झाड़ू भी निकालना और पोछा भी। आज स्किप करें प्लीज, मैं प्लीज कल सारा झाड़ू सारी चद्दरें सारी मैंने साफ करी, इन्होंने पोछा लगाया, हमने काम बांटे हुए हैं, बर्तन हम एक टाइम ये करती है एक टाइम मैं करता। आज स्किप कर लें, बर्तन कर लें। आज अरे कहीं नहीं, किसी गेस्ट ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना, साफ पड़ा है घर। कोई टाइम पास कैसे होएगा? टाइम पास तो शाम को हम घर पे वर्कआउट कर लेंगे। तो ये प्लान है जो हम फाइनलाइज कर रहे हैं, इसमें देयर आर 7 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4 3 BHK हैं, 3 2 BHK हैं। अभी 3D बना रहे हैं पूरी साइट का। दिस इज द प्लॉट एरिया इन टोटल। तो दिस इज द प्लान वी रेडीड, ऑलमोस्ट फाइनल है, इसमें माइनर चेंजेस होंगे। काफ़ी अच्छा बना है। जो इशू आ रहा था पहले हमारे को, ये आ रहा था कि इस वाले प्लान में, लास्ट जो प्लान हमने बनाया था, ये पैसेज की वजह से ना इस 2 BHK का ड्राॅइंग रूम बड़ा छोटा हो रहा था। सो वट वी डन इज पैसेज को हमने यहाँ से हटा दिया है, वी गिवन इट अ एंट्री फ्रॉम हियर, और इसका ड्राइंग रूम जो कि यहाँ था, यहाँ से एंट्री जो ले रहा था वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। पहले इसका ड्राइंग रूम यहाँ से एंट्री ले रहा था, फिर हमने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, बेडरूम वहाँ डाल दिया। तो ये गॉट अ बिग ड्राइंग रूम हियर हियर हियर, तो तीनों 2 BHK इसको अच्छा ड्राइंग रूम मिल गया। 3 BHK तो ऑलरेडी बड़े अच्छे थे, तो वो चेंजेस किए हैं। अभी इसका 3D कुछ दिनों में तैयार होएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वेबसाइट पर भी डिटेल्स आएंगे इसकी। मतलब मानना नहीं है आपने, टाइम पास नहीं, ये बाद में मेरे लिए ताने तैयार हो रहे हैं। हाँ, बाद में मुझे देखा, आपने तो निकाला नहीं, मैंने ही निकाला ना। ऐसा ये लड़ाई के पॉइंट रेडी हो गए। पापा कहाँ हैं? पापा बाहर गए हैं। ओ, पापा सोशलाइजिंग नहीं छोड़ रहे, बाकी सब छोड़ देते हैं। आपको दिखाता हूँ, पापा पकड़े गए पापा पकड़े गए। डैडी आप घूमना कब बंद करोगे? पापा गुस्सा हो रहे हैं, एक्चुअली गुस्सा इसलिए हो रहे हैं कि आज सुबह पापा बुला रहे थे, हमें सुनाई नहीं दिया। अभी आज टॉक शो में पापा ने अपना परना उतार दिया आज। पापा वीडियो में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, आपका आइसोलेशन? अब तक दूरी रखना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, दूरी रखो। घर में रहना ना, घर में रहना, टाइम पास नहीं होता। लेकिन उसका सोल्यूशन ये मिल गया कि भाई उसमें सुमरण करो, और 3-4 घंटे सुमरण करो, सत्संग सुनो। आजकल की वीडियो आ रही है, अच्छा गवर्नमेंट ने रामायण चालू कर दी, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट हो। जैसे डैडी का आग ना, सुबह उठो, अभी मैं 3-4 दिन से उठी ना 6 बजे, तो दोबारा सोने का मन नहीं करता। बहुत अच्छा लगेगा बेटा, जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, फिर आप रह ही नहीं सकते। पापा के लिए तो आइसोलेशन बड़ी टफ हो गई थी। मैं चला जाता था भाई, जीवन कोई खराब हुआ, टाइम करता नहीं, एक छोटी आदमी ने बंदना, आप देख लिया भाई, बहुत मुश्किल था। पापा से घर नहीं रुका जाता भी। होता है कि 60 के बाद ना नींद भी कम आती है, सेरोटोनिन मेलाटोनिन कम बनता है। पर ये बहुत अच्छी बात है कि मम्मी जाने के बाद पापा की लाइफ में ऐसे चेंजेस आए, पापा इतनी मेडिटेशन करने लगे सत्संग के थ्रू, या जैसे भी लगा लो, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कभी 3 भी उठ जाते हैं, 6 बजे तक मेडिटेशन करेंगे, तो उससे पूरे घर में भी अच्छी वाइब बनी रहती है, हमें भी फिर अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो नहीं, भक्ति में शक्ति है बेटा, जब तुम ये काम करने लग जाओगे ना,
ऑटोमेटिक वहां पवित्र जगह हो जाएगी जहाँ संत महात्माओं के पैर टिकते हैं बेटा। मेडिटेशन के तो इतने फायदे हैं बेटा, और किसी चीज के फायदे नहीं बेटा। ये जो सांसारिक चीज है ना, धन है, माया है, बच्चे हैं, सब कुछ, सब यही रहने वाला है। केवल और केवल तुम्हारी भक्ति तुम्हारे साथ जाएगी, जो यहाँ भी सुख देने वाली है और आगे भी सुख देने वाली है, तुम्हारे साथ रहेगी। कभी ये फ्लैट नहीं बिका, कम न बिके, ज्यादा न बिके, दुखी रखना। सही बात है, बड़ी स्ट्रेस हो जाती है। मतलब कि मेडिटेशन, पापा बोल रहे हैं मेडिटेशन। ये भक्ति नहीं भाई, मंदिर में वो इसका तो सारे महापुरुषों ने विरोध ही किया है। मंदिर तो पत्थर की मूर्ति ना, आदमी की बनाई हुई है। ये जो तुम्हारा मंदिर है, तो भगवान ने बनाया है और इसकी एक एक चीज अनमोल है। चलिए गाइज, आज का व्लॉग क्लोज करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन निकला आज का। नवरात्रों के दिन है, आप माता से पूजा कीजिए कि पूरे देश में मदद करें और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको खाना भोजन समय से मिले। आप भी घर से मत निकलिए जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं, कोशिश करिए घर पे ही रहिए। पापा ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आप कर सकते हैं 21 डेज। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ हैबिट यू वांट टू गेट इनटू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और इतना साथ देने के लिए आप लोगों का। चलो बाय, टेक केयर, सी यू।